Hello students, welcome in your science class. I'm Kapsimis here, making your science easy. We have started the lesson, The Living World. In our last video, I have told you about the characteristics of living things in short. Now, we will see it in details. First characteristics is living things grow. Here you can see a picture. There is a dog, child, a boy and girl. And in first picture they are so little. In second picture they are grown somewhat bigger. In third picture, they become young. In fourth, they become old. This shows the growth of living things. A baby grows up to become an adult person, woman or man. During the period of its growth, a baby gains height, weight and strength. In the same manner, all animals also grow. Here you can see a puppy. It also grow into a dog. Here you can see a chick. And it grow into a hen. Animals grow into adults in a certain period. Generally, human require 18 to 21 years for its growth. There are different periods for growing different animals. Here you can see the growth in plants. In this picture you can see a plant of banyan and plant of coconut. As it grows, we water it, it grows bigger and bigger. The growth in banyan plant and coconut plant, and hence years goes after it become a big tree. आपके आसपास ये जो animals, plants grow होते हैं, आपको उनके growing period observe करने हैं और वो note down करने हैं. Dog का growing period क्या है, cat का growing period क्या है, रैट का ग्रोइंग पीरियड क्या है, डिफरेंट प्लांट्स के ग्रोइंग पीरियड क्या है, ये ऑब्जर्व करके आप नोट कीजिए. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ. अब लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं ये तो हमने देखा है, लेकिन इन लिविंग थिंग को ग्रो होने के लिए फूड नेसेसरी है. फूड ईट करके ही वो ग्रो होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट. ये प्लांट कल आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था मैंने. ये जो है प्लांट, यहाँ पे इसकी फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस दिखाई गई है. क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में प्लांट फूड लेता है और फूड क्रिएट भी करता है. देखो ये सन है, सन की लाइट प्लांट के ऊपर फॉल होती है. प्लांट जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, इसे बोलते हैं रिस्पायरेशन. कैसे लेता है वो? उसके लीफ से. लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा. उस स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और सन के हीट की वजह से उस कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को?
प्लांट अपने रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एब्जॉर्ब हुए वाला वाटर लीव्स तक आता है। अब लीफ में वाटर है, लीफ एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है। अब ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों से बनता है प्लांट का फूड, लेकिन ये तभी बनता है जब सन की लाइट उसके ऊपर फॉल होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये ऐसे प्लांट्स अपना फूड लेते हैं। तो प्लांट को भी ग्रो होने के लिए फूड नेसेसरी है। वो फूड को क्रिएट भी करता है, खुद भी उस फूड से ग्रो होता है और एक्स्ट्रा फूड खुद में स्टोर करता है, और वही फूड बाकी एनिमल्स ईट करते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। प्लांट ईट करने वाले एनिमल्स प्लांट में का फूड लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स। ये है बर्ड, ये वाटर में के फिश को ईट कर रहा है। हर एनिमल को ग्रो होने के लिए फूड नेसेसरी है। अब ये बर्ड फिश को ईट करता है, फिश से उसे अपना फूड मिलता है। ये जो हैंस है, ये हैन क्या कर रहे हैं? यस, ये खाते हैं स्मॉल इंसेक्ट, कीड़े, सॉइल में के स्मॉल इंसेक्ट एंड स्मॉल ग्रेन्स वो ईट करते हैं, वो उनका फूड है। देन ये टाइगर, टाइगर खाता है अदर एनिमल्स को। यहाँ पे ये हॉर्स दिख रहा है आपको, ये ग्रेज करता है, ग्रास को ईट करता है। एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट में होते हैं क्लोरोफिल। प्लांट खुद का फूड खुद बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए तो उनके लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये क्लोरोफिल की वजह से प्लांट खुद का फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट जो फूड मेक करता है, एनिमल्स उसी फूड को ईट करते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? लीव्स में। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वॉट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एरो शो किया है और नाम लिखा है ऑक्सीजन। बोले तो लीव्स में से ऑक्सीजन बाहर आता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्लांट अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल इन देम, बट एनिमल्स डू नॉट हैव दिस क्लोरोफिल। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सर्च फॉर फूड। एनिमल्स सच एज हॉर्स, गोट, शीप, काउ, ऑक्स, बफेलोज, दे ईट ग्रास। एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, दे ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। दे गेट दिस फूड बाय हंटिंग। एंड द इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। टेकिंग इन फूड एंड ग्रोथ आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग रिस्पायर, लिविंग थिंग ब्रीद।
हम ब्रीथ करते हैं अपने नोज से, एयर को इनसाइड लेते हैं, एयर को आउटसाइड छोड़ते हैं, है ना। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। हर लिविंग थिंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पायरेशन। क्या होता है रिस्पायरेशन? इनहेलिंग ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड? जो कि बॉडी के अंदर बनता है। कब बनता है ये? तो ये जब ऑक्सीजन बॉडी में यूज होता है तो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाता है वो ऑक्सीजन यूज होता है ब्लड में। ये प्रोसेस मैं आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के टाइम फिर से डिटेल में समझाऊंगी, अभी सिर्फ इतना बताती हूँ। जो ऑक्सीजन हम नोज से लेते हैं वो बॉडी में यूज़ होता है, और उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आके वो नोज से बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे बोला जाता है रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। ये डेफिनेशन आपके नोटबुक आपके बुक में दी गई है। यस, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसे अपने नोटबुक में। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। अब सिर्फ ह्यूमन में रिस्पायरेशन होता है ऐसा नहीं है, हर लिविंग थिंग रिस्पायर करता है। प्लांट में भी ये रिस्पायरेशन होता है। अभी हमने फोटोसिंथेसिस में देखा, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? तो वो उनके डाउन साइड को, लीफ के डाउन साइड को, पीछे से अगर देखा लीफ को आपने, थोड़ा सा रफ पार्ट दिखता है आपको, रफनेस दिखता है वहाँ पे, वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास, और उन स्टोमेटास से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। ये होता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जनरली रिस्पायरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये प्रोसेस भी इसी स्टोमेटा से होती है। प्लांट किससे ब्रीथ करता है? लीफ के स्टोमेटा से। देन फिश, फिश को ब्रीदिंग के लिए होता है गिल्स। फिश का रिस्पायरेशन कहाँ से चलता है? गिल्स से। देन अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म रिस्पायर करता है उसके स्किन से। अर्थवर्म किससे रिस्पायर करता है? उसके स्किन से। कॉकरोच, कॉकरोच को होते हैं स्पिरेकल्स, छोटे होल्स होते हैं, उन्हें स्पिरेकल्स बोला जाता है। उन स्पिरेकल्स से कॉकरोच ब्रीथ करता है। तो ऐसे डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट ब्रीदिंग पार्ट्स है, रिस्पायरेटिंग पार्ट्स है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीशन। इन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। क्या होता है एक्सक्रीशन? बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, उन वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, और ये जो प्रोसेस होती है वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की, उसे बोला जाता है एक्सक्रीशन। वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड
एक्सक्रीटा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सक्रीटा, एंड द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग देम, दैट मीन्स एक्सक्रीटा, इलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग एक्सक्रीटा फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ये भी डेफिनेशन आप नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक में. एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं. अब ये जो एक्सक्रीशन है, आपको सिंपल में बताओ तो एनिमल डंग होता है, एनिमल डंग डालते हैं ना, उसे बोला जाता है एक्सक्रीशन. यस, हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, वो भी एक टाइप का एक्सक्रीशन है. हम टॉयलेट जाते हैं, वो भी है एक्सक्रीशन. हमारे नोज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, वो भी वन टाइप का एक्सक्रीशन है. तो डिफरेंट वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, वो डिफरेंट पार्ट से बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन बाहर निकलता है और वो भी वन टाइप का एक्सक्रीशन है. ये भी वन टाइप का एक्सक्रीशन है. अब इस फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर ड्रॉप्स भी बाहर निकलते हैं लीव्स से, इसे भी बोला जाता है एक्सक्रीशन. ये एक्सक्रीशन है प्लांट का. हम मॉर्निंग पीरियड में, मॉर्निंग टाइम में लीफ के टिप पे छोटे वाले ड्रॉप्स देखते हैं, जिसे हम ड्यू बोलते हैं, दव बिंदु, ड्यू. यस, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, ये है प्लांट का एक्सक्रीशन. सम प्लांट्स शेड लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन, वे सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट आर शेड अलॉन्ग विद द लीव्स. और किसी किसी प्लांट में लीव्स अपने आप गिर जाते हैं, और ये भी वन टाइप का एक्सक्रीशन होता है. जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उन लीव्स के थ्रू वो फॉल डाउन होते हैं. यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. बाकी के जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.